ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां लोनी पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो इलाके के विधायक का फर्जी लेटर हेड बनाकर लोगों के काम करवाता था और उसकी एवज में उनसे पैसे भी वसूलता था। इसको पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के पास से फर्जी लेटर हेड, कंप्यूटर प्रिंटर आदि भी बरामद किए हैं। बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी एक आधार कार्ड सेंटर ने पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और मौके से कई फर्जी चीजें बरामद की। वहीं पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया कि उसके पास एक महिला विधायक लेटर लेकर आई थी और तभी उसने वो लेटर स्कैन कर लिया था और ये गोरख धंधा शुरू कर दिया था। ये थाना लोनी के अशोक विहार क्षेत्र में एक दुकान है जिसका आरजे ऑनलाइन सर्विस सेंटर नाम है। इसके मालिक द्वारा फर्जीवाड़ा करके वहाँ के लोनी के माननीय विधायक के लेटर पैड का दुरुपयोग करते हुए लोगों से एप्लीकेशन लेके उनके आधार कार्ड पे एड्रेस और अन्य जो डिटेल हैं वो चेंज करवाए जा रहे थे, जिसका भंडाफोड़ लोनी पुलिस द्वारा किया गया है। जब इससे पूछताछ हुई तो इसने बताया कि इसके पास एक प्रार्थना पत्र पहले आया था जिसमें एक महिला ने माननीय विधायक जी के लेटर पैड पे ये लिखवाया था कि उनका एड्रेस चेंज करवा दिया जाए, और उस लेटर को इसने स्कैन करके अन्य लोगों से भी उनके एड्रेस चेंज करवाने के नाम पे या अन्य कोई डिटेल, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि चेंज करवाने के नाम पे उस लेटर पैड को स्कैन करके बाकी सारी डिटेल्स चेंज करके दुरुपयोग किया। जब इसके दुकान पर दबिश पड़ी तो वहाँ से कुछ लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कुछ आधार कार्ड जो कि जिसके कि एड्रेस वगैरह चेंज करने थे, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि वहाँ से प्राप्त हुए। इसने बताया कि ये लगभग पिछले 6-8 महीने से ये घटना कर रहा था और इससे विभिन्न लोगों से ये काम करने के लिए 1000 रुपये के करीब लिए जा रहे थे।